ये अपार्टमेंट जो है वो हमारा 1 BHK कह सकते हैं आप। आपको जो है इस तरीके का अपार्टमेंट कितने की कॉस्ट में मिल सकता है और जो है वो इसकी पर डे कितनी कॉस्ट आती है? आउटसाइड बुरसा टर्मिनल है, यहाँ से जैसे आप बाहर निकलेंगे तो आपको यहाँ पर टैक्सी स्टैंड और साथ ही जो है बस स्टैंड भी नज़र आ जाएगा। हेलो वेलकम बैक, स्टार्ट है अनदर वीडियो फ्रॉम अंतालिया से। तो यहाँ पर जो है वो मॉर्निंग हो चुकी है। अपार्टमेंट होने का एक बेनिफिट ये होता है कि ब्रेकफास्ट वगैरह भी आप खुद बना सकते हैं। और अभी हम लोग करते हैं ब्रेड को गरम, क्योंकि आज के फ्राई पैन जो है इसी तरीके से ग्रिल वाले टाइप स्टाइल में आ गए हैं, जिससे जो है आपका टेक्स्चर काफ़ी अच्छा बन जाता है। जिस तरीके से हमने अपने लास्ट वीडियो में बनाया अपार्टमेंट का टूर, कि यहाँ पर जो है आपको क्रॉकरी वगैरह भी अवेलेबल होती है, तो ये आपको अपार्टमेंट में ही मौजूद होती है। तो अभी हम भी उसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, बेनिफिट उठा रहे हैं। इस टाइम बन रहा है प्याज वाला अंडा, थोड़ा सा नमक, ये हमारा रेडी हो गया है कुछ चीज़ें ब्रेकफास्ट की। स्पेशली जो है यहाँ पर जो है फ्रूट वगैरह काफ़ी सस्ते हैं, तो यहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं फ्रूट, और जूसेस भी काफ़ी सस्ते हैं, क्योंकि इस तरीके से आपको यहाँ पर ब्रेड काफ़ी मिलेंगी। और ये स्टाइल जो है ना, ये तो वही स्टाइल है जिस तरीके से आपने अर्तुरुल ड्रामा देखा होगा, उसमें वाइट कलर की जो अक्सर ये लोग खूब्स खाते हैं रोटी, मतलब ब्रेड होती है, वो यूज़ करते हैं। सो फाइनली टाइम आ गया है यहाँ से लीव करने का अंताली से बस स्टेशन, और फिर वहाँ से कंटिन्यू करेंगे बुरसा के लिए। तो अभी हम लोग चलते हैं बस स्टेशन। अभी हम लोग पहुँच गए हैं अंतालिया बस स्टेशन, जिसको कहते हैं ओतोगन। और अभी हमारे यहाँ तक आने तक जो है हमारे चार्जेस लगे हैं 70 लीरा। तकरीबन 2.5 घंटे के बाद जो है ये रुकी है बस एक स्टॉप के ऊपर, तो यहाँ पर जो है 10 to 15 मिनट रुकेगी, फिर जो है आगे कंटिन्यू करेगी। तो थ्रू आउट द जर्नी अभी तक तो अच्छी चल रही है। वो कितनी है कुछ नज़र नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा फोक है। और तकरीबन रात के 2:30 बज रहे हैं और हाफ स्टॉप हमारा हो गया है, हाफ बाकी है। तो अभी जो है ये जर्नी स्टार्ट है, मगर इस वक्त का मौसम जो है टेम्परेचर जो है अराउंड जो है 4 या 3 हो रहा है, और मगर मज़ा बड़ा आ रहा है। कैमरा 30 मिनट यहाँ पर रुकेगी एपीओन में, फिर उसके बाद जो है ये जर्नी स्टार्ट होगी। ड्राइवर आ गए हैं, गाड़ी स्टार्ट हो रही है दोबारा, तो अपनी जर्नी दोबारा कंटिन्यू करते हैं। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और अभी हम लोग पहुँचे हैं उमर आतोकर। यहाँ पर गाड़ी रुकी है 15 to 20 मिनट रुकेगी, और यहाँ से फिर जो है आई होप सो के इसके बाद जो हमारा लास्ट स्टॉप होगा बुरसा का ही होगा, क्योंकि 5 बज गए हैं, अराउंड जो है 2 आवर्स बाकी है हमारी जर्नी ख़त्म होने में। ओवरऑल रात की जर्नी पे एक बेनिफिट ये होता है, क्योंकि काफ़ी जो है मैंने जर्नी की है जब से मैं तुर्की में आया हूँ बस की, तो 2 और 3 आवर्स की जर्नी तो डे के अंदर हो जाती है, मगर इससे ज़्यादा की जर्नी जब आप करते हैं फैमिली के साथ, स्पेशली बच्चे हों, तो फिर जो है ना काफ़ी सर्वाइव करना पड़ता है, काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैंने प्लान करा कि क्योंकि अराउंड जो है 9 आवर्स की जर्नी थी, तो हमने ये प्लान करा कि हम नाइट में करेंगे। ऑलमोस्ट हमारा तकरीबन 7 आवर्स फिनिश हो चुका है, अब बाकी 2 आवर्स। अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं बुरसा, और काफ़ी अच्छी एक जर्नी रही। स्पेशली हमारा जो प्लान था कि हम लोग जो है डे के अंदर जाते, सॉरी हमारा जो प्लान था कि हम लोग जो है नाइट के अंदर जाते हैं, क्योंकि बच्चे हमारे साथ हैं, अगर डे में जाते हैं तो काफ़ी हम प्रॉब्लम होती, क्योंकि बार बार बच्चे जाग रहे होते हैं तो उनको प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, सो रहे होते हैं तो नाइट गुजर जाता है। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा, स्पेशली अगर आपके साथ बच्चे हैं और तो आप नाइट में सफ़र करें, वो सो जाएंगे तो आपका सफ़र जो है इजीली कट जाता है। फाइनली अगर मैं इस वीडियो को समराइज़ करूं कि टोटल हमारा अच्छे कितना एक्सपेंस आया था, आज जो है वो बुरसा आ रहा था, तो बुरसा के लिए जो हमने टिकट करवाया था, जो उसकी एप्लीकेशन है वो भी लेट एप्लीकेशन है उसके थ्रू करवाया था, तो आप उसके थ्रू करवाएंगे तो आपको ईजी होगा मैनेज करना कि आपको कब जाना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है। और वहाँ पर जो है काफ़ी आपको सस्ते पैकेज भी मिल जाएंगे, क्योंकि काउंटर से मैंने पता किया था तो वो उसके रेट थोड़े से ज़्यादा ले रहे थे, जब एप्लीकेशन पे चेक करा तो उसके रेट थोड़े कम थे। तो मैंने थ्रू एप्लीकेशन करवाई थी बुरसा तक, इसकी कॉस्ट आई थी 95 लीरा पर पर्सन। आउटसाइड बुरसा टर्मिनल है, यहाँ से जैसे आप बाहर निकलेंगे तो आपको यहाँ पर टैक्सी स्टैंड और साथ ही जो है बस स्टैंड भी नज़र आ जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है उस्मान गाजी की साइड पर जाते हैं, तो यहाँ से आपको ईजिली बसेस मिल जाएंगी। नॉर्मली अगर आप इंडिविजुअल हैं तो अपनी बेस्ट जो है
आपको। यहाँ से बसेस वगैरह में आप जाएंगे तो काफ़ी चीप रहेगा, उसकी जो कॉस्ट वन साइड की आती है। तो 10 लीरा जो है पर हेड के हिसाब से है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो उस्मान गाजी की साइड के ऊपर ही होटल वगैरह बुक करवाते हैं। अगर आपके साथ फैमिली मेम्बर हैं तो आपके लिए बेस्ट ये है कि आप जो है टैक्सी करवा लें, उसकी भी ऑलमोस्ट जो है आपको उतने ही रेट पड़ेंगे जितने आप जो है बसेस वगैरह में करेंगे। तो अभी हम लोगों ने करवा लिया टैक्सी, टैक्सी के बाद अभी हम लोग पहुँच गए हैं होटल। क्योंकि जब फैमिली आपके साथ होती है तो आपके लिए ईजी रहता है, सामान वगैरह ज़्यादा होता है तो आप ईजिली जो है अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच जाते हैं। और अभी हम लोग मौजूद हैं बुरसा के अंदर, और मैं आपको क्विकली जो है आपको अपने घर का, अपने अपार्टमेंट का जो है होम टूर करवाता हूँ। और मेन जो है वो आपको ये भी बताता हूँ कि इस एरिया के अंदर आपको अपार्टमेंट कितनी कॉस्ट में मिल जाएगा और इसके अंदर क्या क्या फीचर मौजूद हैं। ये अपार्टमेंट जो है वो हमारा 1 BHK कह सकते हैं आप, या स्टूडियो भी कह सकते हैं। स्टूडियो नहीं है एक्चुअली, ये 1 BHK कह सकते हैं, क्योंकि एक इसमें रूम है और साथ जो है एक कॉमन एरिया बना हुआ है जिसमें डाइनिंग एरिया भी कह लें या टीवी लॉन्च वगैरह है, और उसके साथ ही अटैच जो है वो किचन वगैरह भी मौजूद है। तो ये हमारा एंट्रेंस के बाद जो है ये कॉमन एरिया है, यहाँ पर जो है वो काफ़ी खूबसूरत जो है उसको डेकोरेट किया हुआ है, सोफे वगैरह भी हैं और साथ जो है टीवी वगैरह भी मौजूद है, और उसके साथ ही जो है वो एक साथ सामने जो है वो किचन भी नज़र आ रहा है। अपार्टमेंट बुक करवाने का सबसे बेनिफिट ये होता है कि आपको जो है उसमें किचन मिल जाता है। किचन कहीं बड़ा होता है, कहीं थोड़ा छोटा होता है, और एटलीस्ट ये है कि आप जो है वहाँ पर कुछ ना कुछ जो है कुकिंग वगैरह कर सकते हैं। और इसमें जो है साथ ही जो है वो फ्रिज भी मौजूद है, और कुछ स्टोरेज के लिए ड्रॉस वगैरह मौजूद हैं, और साथ ही जो है आपको क्रॉकरी वगैरह भी मिल जाती है। इलेक्ट्रिक जो है चूल्हा दिया हुआ है, ये दिया है इन्होंने। अगर आपके घर में छोटा रूम है मगर कंफर्टेबल बनाया है, कॉम्पैक्ट बनाया था, उसके लिए उन्होंने कटिंग या स्टोरेज वगैरह जब आप काम कर रहे हो किचन के अंदर, तो वैसे तो नॉर्मली जब आप एज अ टूरिस्ट आते हैं तो इतना नहीं आपको ज़रूरत पड़ती, मगर इन्होंने एक पूरा प्रॉपर सेटअप बनाया। अगर कटिंग वगैरह करनी है, कुछ भी आपको चीज़ यूज़ करनी है, तो आप इसको बाहर निकाल के यूज़ कर सकते हैं। खैर अभी तो इसको करते हैं वापस अंदर। इसके साथ जो है इन्होंने दिया है टेरेस, सामने जो बकलावा और रेडी टू ईट वाली चीज़ें मौजूद हैं, तो ये भी एक अच्छा बेनिफिट है। सो ये हमारा सेकंड रूम है। ओवरऑल ये पूरा हमारा एक रूम है, सेकंड रूम है, जिसमें एक मास्टर बेड है और एक सेपरेट हमने बेड लगवाया, क्योंकि जब आपके पास फैमिली मेम्बर ज़्यादा हो तो आप रिक्वेस्ट करके बेड भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं। यहाँ से जो आउटसाइड व्यू नज़र आता है, और एक विंडो यहाँ पर भी मौजूद है। साथ जो इन्होंने एक पूरा जो है वो दिया हुआ है कैबिनेट, एक और स्टोरेज के लिए आपको दिया है, और ज़्यादातर यहाँ पर जो है ना लॉकर मिलता है, आप लॉकर भी यूज़ कर सकते हैं मगर रखें नहीं तो बेहतर है। और ये साथ जो है वॉशरूम है, नॉर्मल तो वॉशरूम सिंपल ही है, सेम है। इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो मैं आपको बता दूँ, साथ जो है वो आपको एक और पाइप नज़र आएगा जिसको आप स्लाइडली खोलेंगे तो इस तरीके से वॉशरूम में आपको पानी मिल जाएगा। अदरवाइज आप जो है आते ही फर्स्ट टाइम जो है थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे कि पानी नहीं है यहाँ पर वॉशरूम में। ये हमारे अपार्टमेंट का टूर था, इसके अंदर जो है 1 रूम प्लस जो है साथ जो डाइनिंग एरिया कह लें या टीवी लॉन्च कह लें, और विद अटैच वॉशरूम एंड किचन भी मौजूद है। आपको जो है इस तरीके का अपार्टमेंट कितने की कॉस्ट में मिल सकता है, और जो है वो इसकी पर डे कितनी कॉस्ट आती है। इस वीडियो को अगर हम समराइज करते हैं तो हमारी मेन कॉस्ट जो है बस स्टेशन से लेके यहाँ तक पहुँचने की अराउंड जो है वो 55 लीरा आई है, और अगर आप इंडिविजुअल हैं तो भी मैं आपको बता दूँ अराउंड 15 लीरा के दरमियान जो है आपकी कॉस्ट आई है अगर आप इंडिविजुअल हैं। अगर आपके फैमिली मेम्बर ज़्यादा हैं तो आप टैक्सी वगैरह कर लेंगे तो अराउंड जो है 55 to 60 लीरा आपकी कॉस्ट आ जाएगी। आप ऐसा अपार्टमेंट लेते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोगों की मेजर कंसर्न यही होता है कि अगर आपको आना है तुर्की तो आपको जो है पर डे आपका कितना एक्सपेंस आएगा। इस बुरसा अपार्टमेंट की कॉस्ट जो है हमारी 300 पर डे जो है इसकी कॉस्ट है। अगर आप 7 डेज़ के लिए बुक करवाते हैं तो उसमें थोड़ा सा आपको डिस्काउंट मिल जाता है, मगर प्रॉब्लम यह कि आप 7 डेज़ के लिए क्यों करवाएंगे, क्योंकि आपका जो है विजिट मुख्तलिफ सिटीज़ में होगा तो वहाँ पर आप ट्रैवलिंग करेंगे तो इसलिए थोड़ी सी कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी जो है अपार्टमेंट होता है, विद फैमिली ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो बेस्ट ऑप्शन जो होता है वो अपार्टमेंट होता है। नेक्स्ट मैं ये बात बताऊँ कि हमने बुरसा क्यों आए। वैसे तो तुर्की वैसे ही फेमस है, काफ़ी यहाँ पर जो है मज़ारात हैं, काफ़ी हिस्टोरिकल चीज़ें मौजूद हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि उनको तुर्की आना होता है और तुर्की आने के बाद जो है उनको जाना होता है अर्तुगरुल गाजी या उस्मान गाजी के मज़ारात के ऊपर। इस्तांबुल के अंदर ये दोनों चीज़ें मौजूद नहीं है। इस्तांबुल से 2 आवर्स की जर्नी के बाद आप पहुँचेंगे बुरसा, और बुरसा के अंदर मौजूद है उस्मान गाजी का मज़ार। नेक्स्ट जो है फिर अगर आपको जो है अर्तुगरुल गाजी जाना है तो बुरसा से मजीद जो है तकरीबन 2 आवर्स की जर्नी आपको करनी पड़ेगी साउथ। सुल्तान अलाउद्दीन ने उनको जो है एक जगह दी थी जहाँ कहा था ये जो है वहाँ पर जाके आबाद होंगे, तो काई कबीले वाले वहाँ पर आबाद हुए थे। तो अर्तुगरुल गाजी का मज़ार भी है साउथ में, जो बुरसा से अराउंड जो है 2 आवर्स की जर्नी के बाद है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि जब भी आप जो है तुर्की का प्लान बनाएं तो उसके उस प्लान के अंदर जो है
आप जो इस्तांबुल को मेन फोकस ना करें, सारी जो है वो अकोमोडेशन आप इस्तांबुल में नहीं रखें। इस्तांबुल में दो दिन तीन दिन रखने के बाद जो है आप बुर्सा के लिए भी एक से दो दिन रखें। या तो अगर आप चाहते हैं कि वन डे के अंदर आप ये कवर करें, तो फिर आपको जो है अर्ली मॉर्निंग इस्तांबुल से निकलना होगा। तकरीबन तीन घंटे के बाद जो है आप पहुँच जाएंगे उस्मान गाजी के मज़ार के पर, वहाँ पर आप 2-3 आवर्स स्पेंड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको जाना पड़ेगा अगर अर्तुगरुल गाजी के वहाँ भी जाना है तो 2 आवर्स मज़ीद। तो इस तरीके से आप वन डे के अंदर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, और अगर कंप्लीट कर भी लिया तो रात हो जाएगी, डार्कनेस हो जाएगी, तो आपकी जर्नी हो जाएगी फुल डिस्टर्ब। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप जो है आने के बाद इस्तांबुल में एक दो दिन रुकने के बाद बुर्सा आ जाएं। बुर्सा में चाहे तो आप एक दिन का स्टे करें या दो दिन का स्टे करें, बेस्ट तो ये मिनिमम 2 डेज़ का आप स्टे करें। अगर आप विद फैमिली हैं 2 से 3 डेज़ का स्टे करें, क्योंकि बच्चे होते हैं, फैमिली होती है, थोड़ा सा उठने में टाइम लगता है, नाश्ता करते हैं, फिर स्लो स्लो काम होता है। तो वन डे जो है बुर्सा के अंदर स्पेंड करें और वन डे जो है साउथ के अंदर स्पेंड करें। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो लोगों को जो कंफ्यूज करते हैं कि आप जो इस्तांबुल आते हैं तो क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं। तो आई होप सो ये वीडियो आपके लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं, मिलते हैं अनदर वीडियो में अनदर लोकेशन में फ्रॉम बुर्सा। तो यही वो स्ट्रीट है, हार्डली जो है 3-4 मिनट आप वॉक करेंगे, आपको जो है गेट नजर आ जाएगा, मेन गेट उस्मान गाजी के मज़ार का।